मैं स्वाति झा आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्रवार का दिन देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ इतनी चंचल है कि वह किसी एक जगह पर अधिक समय तक नहीं रुकती है। ऐसे में माँ की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को निरंतर इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और क्षीर सागर में उनके साथ रहती हैं, जबकि देवी माँ दुर्गा उनकी माँ है। आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे जुड़ी धार्मिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार ऋषि दुर्वासा ने स्वर्ग के देवता राजा इंद्र को सम्मान में फूलों की माला दी, जिसे राजा इंद्र ने अपने हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने फूलों की माला को पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने राजा इंद्र को श्राप दिया कि आपके इस अहंकार की वजह से आपका पुरुषार्थ छिन्न हो जाएगा और आपका राजपाट छिन जाएगा। इसके बाद कालांतर में दानवों का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोकों पर दानवों का आधिपत्य हो गया। इस वजह से राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। तब देवतागण विष्णु के शरण में जा पहुँचे। भगवान ने देवताओं के समुद्र मंथन की सलाह देते हुए कहा कि इससे आपको अमृत की प्राप्ति होगी, जिसका पान करने से आप अमर हो जाएंगे। इस अमरत्व की वजह से आप दानवों को युद्ध में परास्त करने में सफल होंगे। भगवान के वचनानुसार देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न सहित अमृत और विष की प्राप्ति हुई। इस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई, जिससे भगवान विष्णु ने अर्धांगिनी रूप में धारण किया। जबकि देवताओं ने अमृत की प्राप्ति हुई, जिसका पान कर देवतागण अमर हो गए। कालांतर में देवताओं ने दानवों को महासंग्राम में परास्त कर अपना राजपाट प्राप्त किया। इस अमरत्व से राजा इंद्र ऋषि दुर्वासा के श्राप से भी मुक्त हो गए। तो ये हुई माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।